और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वकील से संवाद किया है। चीफ जस्टिस ने एआई वकील से पूछा कि क्या भारत में मौत की सजा संवैधानिक है। मौका था सुप्रीम कोर्ट में नेशनल जुडिशियल म्यूजियम एंड आर्काइव के उद्घाटन का। और पीयूष पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, हम ये वीडियो देख पा रहे हैं जिसमें सीजीआई ने किस तरीके से एआई वकील से सवाल पूछा, उसका जवाब क्या मिला, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने ये सवाल एआई वकील से पूछा और म्यूजियम में उद्घाटन के दौरान उन्होंने पूछा कि क्या देश में, भारत में मौत की सजा का सजा संवैधानिक है। तब एआई वकील ने जवाब दिया कि बिल्कुल भारत में मौत की सजा संवैधानिक है, लेकिन दुर्लभतम मामलों में ही मौत की सजा दी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में फैसला दिया था और ये तय कर दिया था कि दुर्लभतम श्रेणी के ही मामलों में, यानी कि जो क्रूर मामला होगा या जघन्य अपराध होगा या जो समाज को झकझोर देने वाला होगा, ऐसे ही मामले दुर्लभतम मामले माने जाएंगे मौत के अपराध की सजा के मामले में, हत्या के अपराध की सजा के मामले में। और इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालतें मौत की सजा तय करेंगी, लेकिन अभी वो प्रावधान बरकरार है, तो ऐसी स्थिति में एआई वकील का जवाब बिल्कुल सही था। और इससे पहले भी एक सवाल सीजीआई की तरफ से पूछा गया, लेकिन माइक ऑन ना होने की वजह से एआई वकील ने उस पर जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब दूसरा सवाल उनकी तरफ से पूछा गया, और ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल था एक तरह से अगर देखा जाए, तो सीधे तौर पर एआई वकील की तरफ से बिल्कुल सटीक जवाब दिया गया कि मौत की सजा भारत में संवैधानिक है और ये दुर्लभतम श्रेणी के मामलों में दी जाती है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई है सीजीआई और एआई वकील के बीच। देखिए सुनाते हैं आपको इस वीडियो का कुछ हिस्सा। इज द डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल इन इंडिया? Yes, the death penalty is constitutional in India. It is reserved for the rarest of rare cases, as determined by the Supreme Court, where the crime is exceptionally heinous and warrants such a punishment.